हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा अक्टोबर मंथ लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जहाँ कि आपण मानकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आप अपकमिंग एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो एवं आपण ओडिशा पुलिस ओएसएपी आईआरबी पे मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये होची आमर करेन्ट अफेयर्स रो क्लास नंबर 6 एथरे आम डिस्कशन करबा। टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आपन चाहिले आउट ऑफ 35 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे मध्ये निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। तो प्रथम क्वेश्चन रहिची रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर उत्कल सम्मान अवार्ड 2024 रे रिसेंटली उत्कल सम्मान अवार्ड दिया जायछि। तो एथिरे किए सिलेक्शन होती 2024 उत्कल सम्मान अवार्ड रे सिलेक्टेड होती किए बोली से पचारे। सरोजिनी साहू, शांतनु कुमार आचार्य, भागीरथी महापात्र ना श्वेत पद्म दास। तो देखु रिसेंटली 2024 उत्कल सम्मान अवार्ड दी जाइए से सिलेक्ट होती किए ना से होती शांतनु कुमार आचार्य। शांतनु कुमार आचार्य ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज सिलेक्टेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। से कहे रिसेंटली क्या को सिलेक्ट करा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पाई न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024। तो 2024 न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल रे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड रे सिलेक्शन होती किए ना से होती सानिया मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन वोमेन्स पेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ए मेडल एट द 27th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। से कहे 2024 27वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप रे को महिला भारतीय महिला जोड़ी इतिहास क्रिएट करछंती विन करके। तो देखु एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो टेबल टेनिस एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 इंडियन वोमेन्स पेयर हिस्ट्री इतिहास रचिंट विनिंग करके। तो ना कौन से पचारे से दुज होती आहिका मुखार्जी एंड सुतीर्था मुखार्जी। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द एटीपी सांघाई मास्टर्स 1000 सिंगल्स टाइटल इन 2024। तो 2024 रिसेंटली एटीपी सांघाई मास्टर्स 1000 मेन सिंगल टाइटल रो विनर किए बोली से पचारे। तो सांघाई मास्टर्स मेन सिंगल टाइटल विनर हो किए ना से होती जानिक सिन्नर। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर जानिक सिन्नर नोवाक जोकोविक को परास्त कर जानिक सिन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखु नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्याना सावालंका रिसेंटली ओन हेर थर्ड कंसेक्यूटिव डबल टी ए युहान 1000 सिंगल्स टाइटल सीज फ्रॉम व्हिच कंट्री। से कहे आर्याना सावालंका रिसेंटली विन कर तृतीय क्रमगत तृतीय डबल टी ए वर्ल्ड टेनिस आसोसीएसन युहान 1000 सिंगल्स टाइटल। तो से क्यों देश बिलंग कर आर्याना सावालंका कौ कंट्री रु बिलंग कर आर्याना सावालंका बिलंग कर बेलारुस्रु से बेलारुस्र प्लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर बेलारुस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द वोमेन्स सिंगल फाइनल एट द 2024 बेंडिंगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। से कहे 2024 बेंडिंगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रे वोमेन्स सिंगल टाइटल विनर किए वोमेन सिंगल्स टाइटल विनर होचंति किए ना से होचंति हमरो किए से होचंति तानिया हेमंत। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिल्ट द इंडियन नेवीज न्यू शिप समर्थक। से कहे जे रिसेंटली इंडियन नेवीर गोटे नुआ शिप बना जाइछि ता ना होची समर्थक। तो सेटा को किए निर्माण करछि हिंदुस्तान शिपयार्ड ना एल एन टी ना माजगांव डॉक ना गार्डन रिच। तो करेक्ट आंसर होची
एल एन टी शिपयार्ड ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर एल एन टी शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। से कौन बंधन बैंक रो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूपे किए निजुक्ति होती तो से कौन बंधन बैंक रो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए निजुक्ति होती तो करेक्ट आंसर हूँ आमर ऑप्शन नंबर सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सेप्टेम्बर 2024। से कौन 2024 सेप्टेम्बर मसर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विनर किए 2024 सेप्टेम्बर मसर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मेन्स कैटेगोरी पाई किए ना से होती किए से होती श्रीलंकार प्लेयर कामिंडु मेंडिस श्रीलंका प्लेयर कामिंडु मेंडिस ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु विल टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। से कौन जम्मू काश्मीर नुआ मुख्यमंत्री किए शपथ ग्रहण कले जम्मू काश्मीर नुआ मुख्यमंत्री वर्तमान हेले किए ना से होती ओमार अब्दुल्ला ओमार अब्दुल्ला एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो जम्मू काश्मीर नुआ मुख्यमंत्री हेले ओमार अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इनागुरेटेड द आईटीयू वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। से कौन 2024 आईटीयू वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को किए उद्घाटन कले तो आपको उद्घाटन करछन किए ना से होछन हमरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर 2024। से कौन 2024 नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स रे किए पाई 2024 नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स रे पचारी इकोनॉमिक्स रे विनर होती किए से पचारी चार्ट ऑप्शन देती डारन आकमोग्लू साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन ऑल ऑफ द अबव तमर 2024 इकोनॉमिक्स रे ए तीन जन को दि जाए तो आमर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हिज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डेवलप्ड द अग्निअस्त्र ए पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन अक्टोबर 2024। से कौन जे रिसेंटली अक्टोबर मसरे 2024 अक्टोबर मसरे इंडियन आर्मी पाई गोटे पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस को लॉन्च करा जाएगी ता ना हूँ अग्निअस्त्र से किए डेवलप कर किए बनई अग्निअस्त्र को बनई किए से बनई मेजर राजप्रसाद आरएस ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर मेजर राजप्रसाद आरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द लीडिंग द इंडियन पार्लियामेंटरी डेलीगेशन टू द 149th इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन असेंबली इन जेनेवा फ्रॉम अक्टोबर 13-17, 2024। से कौन जे आम 2024 अक्टोबर 13 अक्टोबर 17 मध्य स्विट्जरलैंड जेनेवा ठारे आमर 149th इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन यूनियन चली आमर इंडियन डेलीगेशन रूपे किए लीड करते नेतृत्व नहीं इंडियन डेलीगेशन मानक इंडियन पार्लियामेंटरी डेलीगेशन मानक नेतृत्व नहीं किए से होती ओम बिरला ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओम बिरला किए ना ओम बिरला होती आमर कौन आमर स्पीकर लोकसभा स्पीकर ना पचार पचार हु इज द करेन्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा हु इज द करेन्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ताल कौन हम ना ओम बिरला हूँ बर्तमान आम लोकसभा स्पीकर और से ही नेतृत्व नहीं थी हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच सिटी होस्टेड द इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 इन अक्टोबर 2024। से कौन 2024 अक्टोबर मासरे इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस आमर कौ सहर आयोजित करा जाइतिला इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 आमर आयोजित करा जाइतिला कौ जगह से पचारी तो आमर करेक्ट आंसर जो कौन आमर न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन अक्टोबर 2024 हु हैज बीन गिवेन द एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जेम से कह पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जेम रो सीईओ रूपे किए अतिरिक्त दायित्व नहीं तो अमर करेक्ट आंसर जी कौन ना करेक्ट आंसर हो एल सत्य श्रीनिवास एल सत्य श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंपनी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द 14th महारत्न महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया से कहे या भितर रिसेंटली कौ कंपनी को कौ सीपीएससी बा सेंट्रल पब्लिक सेंट्रल एंटरप्राइजेस को रिसेंटली 14th महारत्न कंपनी मान्यता दिगला 14th महारत्न कंपनी मान्यता दि जाए क्या ना आम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द करेंट रेपो रेट एज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अच्छी गोटे से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिसेंटली डिसाइड कर इंडिया रो रेपो रेट के तो इंडिया रेपो रेट के डिसाइड कर 6.5% 6.5% तो आरबीआई हेडक्वार्टर कौटे पचार जिके सेक्शन रे आरबीआई हेडक्वार्टर आरबीआई रो हेडक्वार्टर अच्छी महाराष्ट्र रो मुंबई रो अच्छी आ वर्तमान किए आमर गवर्नर अच्छा आरबीआई रो आरबीआई गवर्नर अच्छा वर्तमान शक्तिकांत दास मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहबो पचार आरबीआई रो प्रथम गवर्नर किए आरबीआई रो फर्स्ट गवर्नर होचंती सार ओसबर्न स्मिथ आ पचार आरबीआई रो फर्स्ट इंडियन गवर्नर तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर होचंती सी डी देशमुख आ पचार आरबीआई रो वर्तमान गवर्नर किए सी होचंती शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री विल होस्ट द आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 से कह आम 2024-2025 आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप आईएसएसएफ मान इंटरनेशनल शूटिंग आम जो शूटिंग होची तीरंदाज आम जो रोज शूटिंग बा बंदूक आम जो चलाना होची इंटरनेशनल आम जो शूटिंग होची तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करुची किए ना आम देश इंडिया ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैव बिकम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंडक्टेड इनटू द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से कह रिसेंटली प्रथम एशियन मैन किए जहाँकू आमर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम रे सामिल करा जाए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम रे सामिल से होती किए ना लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज तो ऑप्शन नंबर डी हो जिबो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट तो आप देख पार्टी इमेज देखी पार्थे आप इमेज देखी पार्टी ये दुज हूँ कौन ना ये दुजन हूँ आप टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस आप देख लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज ये दुज को रिसेंटली इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम रे शामिल करा दे टेनिस हॉल ऑफ फेम रे शामिल होती तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन हिज फर्स्ट फॉर्मूला वन टाइटल बाय विनिंग हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 से कह 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस रो विनर किए हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस रो विनर होती ओस्कार पियास्ट्री ऑप्शन नंबर सी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट विल बी सेट अप इन व्हिच स्टेट से कहे इंडिया प्रथम ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को कौ स्टेट सेटअप कर स्थापना कौ स्टेट स्थापना कर आम करेक्ट आंसर होची आम राज्य ओडिशा ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवार्डेड WHS 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन से कह 2024
आमर WHO द्वारा प्रदान करा जाइथिबा नेल्सन मांडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन पई को ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाइछि। हेल्थ प्रमोशन पई दिया जाइछि काहाकु हमरो दिया छि निमांस को दिया जाइछि। निमांस यार फुल फॉर्म होछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होछि हमरो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि ऑन What date is World Students Day observed to honor Dr. APJ Abdul Kalam? से कहे जे आमर जो पूर्वतन राष्ट्रपति APJ Abdul Kalam जे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए तो Dr. APJ Abdul Kalam को सम्मानित करिया पई आमर World Students Day ऑब्जर्व करा जाए से दिन को कौ दिन सेटा कौ दिन पालन करा जाए। World Student Day आमर केबे ऑब्जर्व करा जाए आमर अक्टोबर 15 को वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व करा जाए कहीं आमर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित करने। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर अक्टोबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड द रीनेमिंग ऑफ इट्स स्किल यूनिवर्सिटी इन ऑनर ऑफ रतन टाटा। से कहे रिसेंटली कौ स्टेट रो सरकार बा को राज्य सरकार घोषणा करी जे से स्टेट रो स्किल्स यूनिवर्सिटी को रतन टाटा को नाम रे नामित कला। तो रतन टाटा को नाम रे नामित करछि तांको राज्य रो स्किल्स यूनिवर्सिटी की सी होछि महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम व्हिच कंट्री हैज इंडिया विथड्रॉ इट्स हाई कमिश्नर एंड सीनियर डिप्लोमेट्स इन 2023। से कहे 2023 आमर इंडिया क्यों देशरु तार हाई कमिश्नर एंड सीनियर डिप्लोमेट्स को कौन करा विथड्रॉ कर रिटर्न नहीं आसुच्छे। तो विथड्रॉ कला कौटी आमर कानाडा रे कहीं कानाडा आउ इंडिया रो रिलेशन बहुत बहुत खराब चली तो से आमर हाई कमिश्नर एंड सीनियर डिप्लोमेट उपरे आमर कानाडा सरकार आमर कानाडा सरकार कौन कर खालिस्तानी लीडर निर्जर रो हत्या विषय संप्रक्त बोली आउ जस्टिस से इंडियन गवर्नमेंट को दोष लदुची। तो से वर्तमान आमर इंडिया सरकार आमर हाई कमिश्नर एंड सीनियर डिप्लोमेट को रिटर्न आने पे प्लानिंग करुच्छे। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। से कहे इंडियन कोस्ट गार्ड वर्तमान नुआ चीफ किए निजुक्ति होती इंडियन कोस्ट गार्ड नुआ चीफ बनी किए ना से होती एस परमेश बा परमेश शिवामणि परमेश शिवामणि। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर। इमेज मते देखि परछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कन्क्वायर माउंट सिसपांगपा माउंट सिसपांगपा। तो सिसपांगपा गोटे माउंट बा पर्वत ताकू आरोहण करथिबा फर्स्ट इंडियन किए प्रथम भारतीय पर्वत रही किए जे कि माउंट सिसपांगपा को आरोहण करिछंती। तो करेक्ट आंसर होछि अर्जुन वाजपेयी अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हू इज द इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम। से कहे इंडियन क्रिकेटर किए महिला क्रिकेटर या भितर किए जने भारतीय महिला क्रिकेटर जहाँ को रिसेंटली ICC हॉल ऑफ फेम रे सामिल करागला। ICC हॉल ऑफ फेम रे सामिल होइतिबा महिला क्रिकेटर होचुंदी किए ना से होचुंदी नीतू डेविड। इमेज देखि परचुंदी ये होचुंदी नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हू रिप्रेजेंट इंडिया इन द 23rd SCO मीटिंग इन पाकिस्तान। से कहे पाकिस्तान रो इस्लामाबाद रे आमर 23तम SCO मीटिंग होती 23तम SCO मीटिंग चली 23तम SCO मीटिंग आमर सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग चली। तो से इंडिया रु किए रिप्रेजेंट करते इंडिया रु किए उपस्थित थे इंडिया तरफ थे आमर विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्सटर्नाल एफआईआर मिनिस्टर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर से भाग नहीं थे। ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर एस जयशंकर अच्छा बर्तमान किए ना आम बर्तमान अच्छा एक्सटर्नाल अफेयर्स मिनिस्टर बा वैदेशिक मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज
वाज मेड इन डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। से कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउ पेंशनर मानक पाई रिसेंटली डीए डियर अलाउंस को इनक्रीज करा जाए छी केते परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट रे जो मान जॉब करछंती से मानक पाई 3% इनक्रीज करा जाए छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। जम्मू काश्मीर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर वर्तमान किए निजुक्ति होती जम्मू काश्मीर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बनी जम्मू रीजन र सुरेंद्र कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर इमेज देखी पड़ते ये होंगे सुरेंद्र कुमार चौधरी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड काश्मीर आई ये होंगे ओमार अब्दुल्ला जे कि जम्मू काश्मीर नुआ सीएम। तो मन रखते ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर विल इंडियाज फास्ट म्यूजियम ऑफ हिंदी लिटरेचर बी सेटअप। से कौच कौ जगार इंडिया प्रथम हिंदी लिटरेचर म्यूजियम को स्थापना करा जिवो इंडिया प्रथम हिंदी लिटरेचर म्यूजियम को स्थापना करा जिवो कोठी वाराणसी काशी ठारे उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी रे आमर सेटअप करा जिवो प्रथम हिंदी लिटरेचर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु गॉट द वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सेप्टेम्बर 2024। से कौन सेप्टेम्बर 2024 आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड विनर किए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन्स कैटेगरी रे सेप्टेम्बर मास पे पाइछंती टेमी ब्यूमेंट ये होचंती इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द 23rd SCO heads of government meeting to be held in Islamabad on October 16, 2024. से कौच 2024 अक्टोबर 16 इस्लामाबाद पाकिस्तान रो इस्लामाबाद रे SCO रो मीटिंग चली थिला 23तम SCO मीटिंग चली थिला से तार प्राइमरी उद्देश्य कौन प्राइमरी फोकस कौन प्राथमिक उद्देश्य होची ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोलाबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थी आपन टोटल 35 क्वेश्चन होगा तो आपन आउट ऑफ 35 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। जदि भिडियोटे भल लागुछि ताहले निहाती गोटाए लाइक करिवे एवं अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु निहाती भावे शेयर करिवे। आउ जो माने हम चैनल नुवा छन चैनल निहाते सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आपन माने समस्त भिडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट भिडियो आपन पे रहिबो कंप्यूटर क्लास रहिबो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।